दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों जैसे कि DSSSP 2021 एग्जाम की तैयारी चल रही है हमारी, ठीक है दोस्तों। और हम कवर कर रहे हैं स्पेशल एजुकेशन सेक्शन BPRT, ठीक है दोस्तों। अब एक चीज ध्यान रखिए दोस्तों, आज से हमारा स्टार्ट होगा पार्ट वन का क्लास फर्स्ट, यानी कि आज हमारा पार्ट वन, ठीक है, क्लास हो गई हमारी फर्स्ट, ठीक। पार्ट वन हमारा स्टार्ट हो चुका है क्योंकि अब तक हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था, अब हम टॉपिक्स करेंगे क्लियर। जैसे कि हमने 9 पार्ट किए थे कल लास्ट के वीडियो में, कल का वीडियो अगर आप देखेंगे, मतलब इससे पहले का वीडियो देखेंगे तो देखिए उसमें हमने 9 पार्ट में अपना क्या है पूरा सिलेबस को डिवाइड कर लिया था और प्रत्येक पार्ट को हमने क्या करना था क्लियर करके चलना है टॉपिक वाइज टॉपिक्स, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इम्पेयरमेंट, जिसमें हमारा पार्ट वन में हमसे पूछा है अंडरस्टैंड द इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटीज एंड हैंडीकैप्स, ठीक है। तो उसमें आज हम करेंगे इम्पेयरमेंट क्या है यानी कि क्षति क्या है। तो आज का हमारा पार्ट वन से क्लास फर्स्ट में हमारा रहेगा इम्पेयरमेंट यानी कि क्षति। देखिए दोस्तों, क्षति के समानार्थी जो शब्द और भी है तो इसका अर्थ है नुकसान, ठीक है। नुकसान हो गया, क्षति पहुंचना, ठीक है, खराबी हो गया, कोई गड़बड़ी किसी प्रकार की, असामान्यता हो गई, वे सारी चीजें है, ठीक है। क्षति इम्पेयरमेंट यानी कि क्षति हो जाना, हम कहते हैं कि क्षति हो गई यानी कि चोट लग गई, चोट लग के क्या हो गया उतनी चीज उतनी जगह क्या हो गई क्षतिग्रस्त हो गई, ठीक है। जल के क्या हो जाता है क्षतिग्रस्त हो जाता है, चोट लगकर क्षतिग्रस्त हो जाता है, कहीं कोई चीज गिर जाती है एक्सीडेंट हो जाता है, ब्लड आता है, क्या क्षति हो जाती है उस जगह की, यानी कि नुकसान या गड़बड़ी असामान्यता हो जाती है, ठीक है। क्षति किस तरीके से, देखिए दोस्तों, क्षति एक ऐसी स्थिति है जो व्यक्ति की शारीरिक स्थिति में किसी भी प्रकार का दोहराव क्षति को दर्शाता है, यानी कि कहने का मतलब ये है क्षति एक ऐसी स्थिति है, स्थिति का मतलब बीमारी नहीं है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो दोस्तों क्षति कोई विकलांगता नहीं है, अगर व्यक्ति उसमें असक्षम है तब हम उसको मतलब विकलांगता या फिर हम डिसेबिलिटीज बोलेंगे, लेकिन क्षति है तो उसका मतलब क्षति नहीं है, असामान्यता है, नुकसान है, गड़बड़ी है किसी प्रकार की, ठीक है, लेकिन बीमारी भी नहीं है। तो क्षति एक ऐसी स्थिति है जो व्यक्ति की शारीरिक स्थिति में, शारीरिक स्थिति से मतलब हो गया शरीर में कहीं भी किसी भी जगह, चाहे वो हाथ पैर नाक कान मुंह या कहीं भी शारीरिक रूप से किसी भी जगह अगर व्यक्ति को कि शारीरिक स्थिति में किसी भी प्रकार का दोहराव, यानी कि एक प्रकार का जो सामान्य व्यक्ति का शरीर है उसमें किसी प्रकार का दोहराव यानी कि बदलाव होना या नुकसान पहुंचना या क्षति पहुंचना, दुर्घटनाग्रस्त होना, क्षति आदि को दर्शाता है, ठीक है। दोहराव का मतलब है सामान्य स्थिति से किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कारण जिससे व्यक्ति असामान्यता ग्रस्त हो गया या असामान्यता आ गई या परिवर्तन हो गया, ठीक है, वह क्या है क्षति को दोहराता है। जो स्वास्थ्य संबंधी अनुभवों के संदर्भ में भौतिक शारीरिक रचना या मनोवैज्ञानिक ढांचे व तत् संबंधी क्रियात्मक में कमी या असामान्यता को क्षति कहा जाता है। इसमें क्या मतलब ये है, वे कह रहे हैं जो स्वास्थ्य संबंधी अनुभव, यानी कि स्वास्थ्य संबंधी अनुभव क्या है, अगर हम बात करें मैं बिल्कुल नॉर्मल हूं अभी, ठीक है, और क्या किसी प्रकार की मुझे क्षति नहीं है, ठीक। अगर स्वास्थ्य अनुभवों का मतलब है जो हम कार्य करते हैं अपनी दैनिक दिनचर्या में, जितने भी कार्य कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं एक तरीके से और सीख रहे हैं, डेली प्रतिदिन हम जो कार्य करते हैं हमेशा सीख कर करते हैं, सीखने करते हैं या जनरलाइजेशन करते हैं, तो अनुभव है उस चीज का। तो कह रहे हैं कि स्वास्थ्य संबंधी अनुभवों के संदर्भ में भौतिक और शारीरिक रचना, भौतिक और शारीरिक रचना से मतलब है दोस्तों शारीरिक रूप से किया हुआ कार्य, उनके अनुभव, रचना यानी कि एक स्ट्रक्चर है हमारा किसी चीज का, उंगली चलाने का, कार्य करने का स्ट्रक्चर है, देखने का एक स्ट्रक्चर है, हमारा आंख खोलेंगे तब हम देख पाएंगे, बंद करेंगे कि स्ट्रक्चर अपना संरचना पूरे व्यक्ति के शारीरिक रूप से एक भौतिक संरचना बनावट जो है उसमें किसी प्रकार की वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक ढांचे का तत्संबंधी क्रियात्मकता में असामान्यता, यानी कि मनोवैज्ञानिक रूप से ढांचा तत्संबंधी से मतलब है इससे संबंधित क्रियात्मक यानी कि कौशलों में कमी, कार्य करने में कमी की असामान्यता को क्षति कहा जाता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं दोस्तों, व्यक्ति के किसी भी अंग में त्रुटि या असामान्यता या अंग या प्रत्यंग का ना रहना, क्रियाओं में कमी या मानसिक प्रक्रियाओं की कार्य कुशलता में
कभी आदि लक्षण क्षति का स्पष्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों क्या कह रहे हैं ये, यानी कि व्यक्ति की किसी भी अंग में त्रुटि का मतलब है खराबी होना, असामान्यता का मतलब व्यक्ति क्या है असामान्य से अलग हो गया है। तो क्या हो गया दोस्तों कि अंग में त्रुटि, यानी कि अगर मैं बात करूं, अगर मैं कोई काम कर रही हूं और आग के साथ काम कर रही हूं, मेरी उंगली जल गई, उंगली हाथ जल गया मेरा, ठीक है, उससे क्या होगा असामान्य हो जाएगा, जो सामान्य रूप से था वह असामान्य हो गया, अंग प्रत्यंग का ना रहना और मेरी इतनी उंगली गायब हो गई या जल गई, उनकी क्रियाओं का कमी, यानी कि जो कार्य मूवमेंट चल रहा था मेरा, मैं मार्कर होल्ड कर पा रही हूँ, क्रियाओं में कमी, उसके द्वारा क्या हुआ मानसिक प्रक्रियाओं की कार्य कुशलता में कभी आदि उसके लक्षण क्या है हमारे कार्य में दिखने लगते हैं। कहीं ना कहीं मैं लिख नहीं पाऊंगी तो क्या होगा दोस्तों, मेरा जो मानसिक रूप से जो कार्य कर रहा है मेरा माइंड, वह क्या है लिखना एक तरीके से भूल जाएगा, कहीं ना कहीं मैं लिख नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरी उंगलियां वो नहीं है, तो क्या मैं उस स्किल को भूलती जाऊंगी। फिर कह रहे हैं कुशलता में कमी आदि लक्षण क्षति को स्पष्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो किसी भी प्रकार की कोई भी हमारे शरीर में अंग प्रत्यंग में कोई भी अगर क्षति होती है और उससे क्या है मानसिक प्रक्रियाओं के लक्षणों को स्पष्ट करती है, तो वह क्या है क्षति है। फिर कह रहे हैं जैसे एक एग्जांपल, जैसे कि रेटिना की खराबी होने से दृष्टि दृष्टि असक्षम हो जाता है, यानी कि कह रहे हैं अगर रेटिना में कोई प्रॉब्लम है हमारे, तो रेटिना की खराबी से व्यक्ति दृष्टि असक्षम हो जाता है, तो उसे क्षतिग्रस्त कहते हैं। अब दृष्टि असक्षम हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया, क्योंकि उसकी रेटिना में कोई खराबी आ गई, कोई प्रॉब्लम होगी, हो सकता है एक्सीडेंट हो गया, हो सकता है कुछ लग गया, तो उसका रेटिना अगर क्षतिग्रस्त हो गया तो असक्षम हो गया, देख नहीं पाएगा, तो उसके कारण जो क्षति हुई है, क्षति के कारण क्या हुआ देख नहीं पाएगा, तो देख कर लिख नहीं पाएगा, ठीक है, लिख नहीं सकता किसी चीज को या रोशनी नहीं दे सकता। तो दोस्तों क्षति के कारण क्या हुआ, जब व्यक्ति क्षतिग्रस्त हुआ उसके बाद कह रहे हैं असक्षम हो गया, असक्षम होने के बाद क्या हो जाएगा, जब व्यक्ति पूर्ण रूप से देखना बंद कर देगा, तब वह किस चीज का, जब वह अपने कार्य कौशलों को नहीं कर पाएगा या सामान्य व्यक्ति के जैसे नहीं कर पाएगा, तब हम कहीं ना कहीं उसको विकलांगता का रूप देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा क्षति आता है, उसके बाद असक्षम यानी कि अक्षमता आएगी, और अगर व्यक्ति किसी कार्य को करने में असमर्थ है तब हम उसको क्या कहेंगे विकलांगता, ठीक दोस्तों। तो इसकी परिभाषा देखिए दोस्तों क्या है, ICIDH के अनुसार क्या है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट डिसेबिलिटीज एंड हैंडीकैप के अनुसार क्या दे रहे हैं, किसी भी प्रकार की मानसिक शारीरिक मनोशारीरिक असामान्यता अथवा कमी जो अंगीय कारणों से होता है उसे क्षति कहते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार की मानसिक शारीरिक या मनोशारीरिक असामान्यता अथवा कार्य अथवा कमी जो अंगीय कारणों से हो रही है, यानी कि अंग जो हमारे हैं किसी भी प्रकार की उनमें नुकसान पहुंच रहा है या क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, जिसमें मानसिक शारीरिक मनोशारीरिक असामान्यता हमें दिखाई दे रही है अथवा कमी हो रही है, तो उसे क्या कहा जाता है क्षति कहते हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि कोई भी डिसेबिलिटी से पहले क्षति आता है। और एक चीज हमेशा याद रखना दोस्तों, असक्षम व्यक्ति कब होता है, जब किसी प्रकार किसी कार्य को नहीं कर पाता है, उससे पहले का कारण अगर होगा तो क्षति उससे पहले का कारण होगा। अगर हम बात करें कि कोई भी व्यक्ति, अगर हम बोलते हैं कि बाई ड्यूरेशन टू डिलीवरी क्या होता है दोस्तों, कि अगर बच्चे को किसी प्रकार की इंजरी हो जाती है, उसके कारण क्या होता है बच्चे के माइंड डिसफंक्शनिंग हो जाता है, इंजरी क्या हुआ एक प्रकार की क्षति हुई ना, तो डिसेबिलिटीज से पहले जिसके कारण उसका माइंड डिसफंक्शनिंग हुआ, उसके कारण क्या हुआ वह बच्चा सेरेब्रल पॉलिसी हो गया, यानी फिजिकल डिसेबल हो गया, सेरेब्रल पॉलिसी हो गया तो उसको फिजिकल डिसेबिलिटी हो गई, तो उससे पहले क्या कारण क्या है क्षति है दोस्तों, ठीक है। तो किसी भी डिसेबिलिटी से पहले अगर हम बात करें, ज्यादातर मोस्टली जो शारीरिक की अगर हम बात करें, शारीरिक की बात करें, तो क्या है दोस्तों इससे पहले क्षति का आता है, क्षति अक्षमता फिर विकलांगता दोस्तों। तो इस प्रकार से क्षति, अगर इसमें से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है, अब हम क्या करेंगे पार्ट वन को इस तरीके से कवर करते हुए चलेंगे, इसके बाद हमारा क्या अक्षमता रह गया विकलांगता रह गया, उसके बाद हम बात करेंगे इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार से इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे, तो वे सारी चीजें, ठीक है दोस्तों। तो आज हमने क्षति को कवर कर लिया, इसकी परिभाषा को देख लिया, क्षति क्या है इसकी परिभाषा क्या है दोस्तों। और एक चीज और हमेशा हमें याद रखना है कि किसी भी चीज को हम क्या करेंगे टॉपिक वाइज करते हुए चलेंगे, ये प्लेलिस्ट में सेव हो जाएगा आपका ये टॉपिक। और क्या है दोस्तों कि हम अब आज हमने क्लास
फर्स्ट की है इसकी। अब पार्ट वन का कल क्लास टू होगा, ऐसा बस सोचना, पार्ट वन एक ही हो रहा है तो कल का क्लास होगा पार्ट क्लास टू होगा। पार्ट वन में हमने क्लास फर्स्ट में अपना इम्पेयरमेंट क्लियर कर लिया है दोस्तों। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ गलत लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हर आने वाली वीडियो मिल जाए आपको। थैंक यू सो मच।